नांदेड़ जिले के देगलूर तालुके का मशहूर ऐतिहासिक स्थल होटल में सांस्कृतिक व पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस सांस्कृतिक व पर्यटन महोत्सव में कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम लिए गए, जिसमें बांसुरी वादक ऐनुद्दीन वारसी ने उनके उस्ताद के साथ शानदार प्रदर्शन किया। अवसर पर नांदेड़ जिला कलेक्टर मिस्टर अरुण डोंगरे सर, देगलूर बिलोली मतदार संघ के आमदार मिस्टर सुभाष राव साबने जी, देगलूर के उप विभागीय अधिकारी मिस्टर कोड़े सर, देगलूर तहसीलदार मिस्टर महादेव किरवले सर, एडवोकेट रामराव नाइक, दीपक शाने और कई मान्यवर यहां पर मौजूद थे। होटल में लिए जा रहे सांस्कृतिक व पर्यटन महोत्सव के बारे में हमने आमदार सुभाष राव जी साबने साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि अगली बार इससे कई गुना ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रोग्राम यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ की जो गांव में की जनता है, ये होटल महोत्सव के लिए पूरा सहकार्य सहयोग ये जनता हमको दे रही है। गांव के लोग सब, महिला बच्चे सब, ज्येष्ठ सब इस महोत्सव में सहभागी है। ये महोत्सव हम राज्य पातली तक और देश पातली तक लेके जाने का हमारा उद्देश्य है। अगले साल का होटल महोत्सव, इसकी तैयारी हम छः महीने पहले से हम करने वाले हैं। ये महोत्सव हम राज्य लेवल तक, जैसा कि आप वेरूर अजिंठा को महोत्सव होता है और नागपुर में महोत्सव होता है, वहाँ पर भी जहाँ जहाँ ऐसे वास्तु है वहाँ वहाँ यहाँ पर इसका माहिती फलक वहाँ पे हम लगाने वाले हैं। और औरंगाबाद में, मराठवाड़े में औरंगाबाद में जो कोई पर्यटक वहाँ पे आएगा, वो पर्यटक यहाँ आने के लिए हम आप अगले महीने में गवर्नमेंट के साथ हमारी बैठक है, उस बैठक में बैठकर और पुरातत्व विभाग ये सब लोगों को लेकर यहाँ पर्यटक आने के लिए, उनके रुकने के लिए ये सब जन सुविधा उनके देने के लिए शासन बाधित है, शासन देंगे। मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी चर्चा हुई वाली है, शासन हमारा यहाँ पर पूरी सोई देने के लिए तैयार है। सर, अगर आपने इंटरेस्ट लिए, जैसे अपना नांदेड़ है, सरदार जी का गुरुद्वारा है और बिदर है, यही रोड पर होटल एक शहर है यहाँ अपना, तो ये रोड पर अपन पर्यटक के लिए यूज़ करें तो रोज़ 5,000-6,000 पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं, उसके लिए भी आप क्या करना चाहेंगे? देखो, उसके लिए हमारे जहन में हमने तय किया है, नांदेड़ देगलूर बिदर ये रास्ते पे आते आते हमारा पहला वनाली का पॉइंट है, उसको मैंने डीपीडीसी में से पहले बैठक में वहाँ तीर्थ क्षेत्र का दर्जा अपन दिए वाला है। उसके बाद अपन देगलूर में आए, वहाँ पर हमारा एक दरगाह, अच्छी पुरातन दरगाह है, उसके 700 साल की परंपरा वो दरगाह को है, वो देगलूर में है। डुंडा महाराज देगलूरकर का मठ वहाँ पर है। उसके आगे आने के बाद मैंने कलिच हमारे मिनिस्टर, जल संपदा मंत्री हमारे गिरीश महाजन साहब और हमारे राज्य मंत्री शिवतारे बापू साहब, इन्होंने केरूर का जो तालाब है वो अभी नगर पालिका को मैंने हस्तांतर करके दिया वाला है। वहाँ पर मैंने जल पर्यटन की व्यवस्था करने के लिए 15 कोटी रुपये का प्रस्ताव अभी नगर पालिका तैयार कर रही है, वो लेकर मैं अभी बजट के बाद वो तैयार हो गया, उसका मुख्यमंत्री के सामने सादरीकरण कर देंगे और 15 कोटी 5 कोटी ये साल में हमको उपलब्ध होंगे उसके लिए। उसके बाद रामपुर है, नेशनल हाईवे अपना यहाँ से जा रहा है, रामपुर है, रामपुर के बाद होटल है, होटल के बाद करटखेल है, ये सब मेगा टूरिज्म में लेकर हम ये चारों सभी ठिकानों का विकास करके यहाँ पर
बाहर के पर्यटक जो औरंगाबाद में देश के बाहर के जो पर्यटक वहाँ आते हैं, वहाँ आने के बाद वहाँ का पर्यटक यहाँ पर आने के लिए, और जो भाविक नांदेड़ में माता टेकने के लिए वहाँ पे नांदेड़ में आता है, वहाँ से बीदर जाता है, तो रास्ते में ये जो 3-4 पॉइंट हमारे है मैंने अभी बताया, वो विकसित होने के बाद हमारा पर्यटक सीख बांधो भी वहाँ पर रुकेगा। मैं सभी पर्यटकों से विनती करता हूँ कि आप नांदेड़ आए तो होटल अवश्य आइए। ये चालुक्य के ऊपर राजधानी बल्कि ये होटल शहर था। यहाँ के शिल्प जो है वो यहाँ शिलालेख 3 है, बोलो 10-11 हज़ार साल पुरानी ये वास्तु है। ये ऊपर राजधानी बोल के इसका नाम है, ये डेवलप हो रहा है। अभी होटल महोत्सव हमने यहाँ लिया है, अभी यहाँ की सब सुविधा शासन की ओर से मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ।